चिकित्सा विभाग की ओर से चल रहे टीकाकरण अभियान में अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही है। इस जागरूकता का असर कुछ यूं रहा कि एक समाज के समस्त रिश्तेदारों ने मिलकर अपने घर में 60 से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को शिविर लगाकर टीकाकरण करवा दिया। इस शिविर में समाज के कई लोगों ने भाग लिया। ये शहर में पहला उदाहरण है जो कोरोना के टीकाकरण अभियान को आमजन में आस्था व्यक्त करते हुए टीकाकरण अभियान को गतिशीलता प्रदान कर रहा है। कोटा कलेक्टर की अपील पर स्वास्थ्य विभाग के साथ शुक्रवार को दादा बाड़ी डिस्पेंसरी में पोरवाल वरिष्ठ युवा फोरम, लायंस क्लब कोटा, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज, वेलफेयर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के समेत क्षेत्रों के लोगों ने टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर लाभ लिया। पोरवाल वरिष्ठ युवा फोरम के अध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता के अनुसार सुबह 10 बजे से दादा बाड़ी डिस्पेंसरी में चले शिविर में 78 पुरुषों व 60 महिलाओं समेत 138 लोगों ने टीका लगवाया। शिविर संयोजक व लायंस क्लब इंटरनेशनल के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता के अनुसार ये पहला वाकया था जब परिवार के 16 सदस्यों ने एक साथ टीका लगवाया। गुप्ता के अनुसार टीका लगवाने वालों में परिवार के सबसे बुजुर्ग 83 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर रामस्वरूप गुप्ता व पत्नी 80 वर्षीय गीता गुप्ता के साथ साथ बेटे बेटियां, पुत्र वधु, भाई के परिवार, उनके पुत्र पुत्र वधु व पुत्रियों समेत 16 वृद्धजन ने टीका लगाकर अभियान में भरोसा जताया।